ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? सो दिस इज़ योर यूनिट नंबर फर्स्ट। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। इसमें दो टाइप के नंबर हम पढ़ेंगे, फॉर्मेट नंबर, मैसेने नंबर, और एक सीरीज़ पढ़ेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स, और फिर नंबर की नंबर रैशनल इरेशनल कैसे होते हैं इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ मिस्टर परवीन, रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। क्या आप मुझसे पहले पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में? नो सर। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? बट आई हैव सीन योर वीडियोस। आई एम ऑल्सो सर, यूट्यूब चैनल मैंने ज्वाइन कर रखा। ओके, तो मतलब यूट्यूब से पढ़े हो, वैसे नहीं पढ़े मुझसे? हैं यस सर, वैसे नहीं पढ़े, यूट्यूब से देखते। यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो। ओके ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी को पता होगा प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उनमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरम। साइड में आपको नोट्स भी दिख रहे हैं 1.1, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूँगा तो उसमें टाइम ज़ाया होगा, तो इसलिए मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा मोस्टली चीज़ें। तो देखो थ्योरम 1.1, एवरी नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन 1 हैज़ ए प्राइम डिवाइज़र। वैसे तो हमें सभी को पता है कि अगर कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो उसका अगर वो नेचुरल नंबर 1 से बड़ा है तो उसका एक ऐसा पक्का एक प्राइम डिवाइज़र होगा, यानी एक कोई ऐसा प्राइम है जो उसको वो डिवाइड करेगा, ठीक है? तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है कि सबसे पहले हम एन इक्वल टू 1 या 2 एक कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए रिजल्ट को प्रूव कर देते हैं, फिर n माइनस 1 के लिए मान लेते हैं, n के लिए प्रूव कर देते हैं, कुछ n के लिए मान लेते हैं, n प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं। तो वैसे ही हम इसमें करने वाले हैं, हमें प्रूव करना है कि सभी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 के लिए एक प्राइम नंबर ज़रूर होगा जो उसको डिवाइड करेगा, ठीक है? तो n इज इक्वल टू सबसे पहले 2 ले लिया, क्योंकि 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 ही होता है, और 2 2 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 के पास एक प्राइम डिवाइज़र है, तो मतलब रिजल्ट 2 के लिए ट्रू है। ओके, हम n लेस देन n के लिए, हम यानी n माइनस 1 अप टू n माइनस 1 के लिए रिजल्ट को मान लेते हैं कि अगर कोई नंबर n से छोटा है तो पक्का उसको एक प्राइम पक्का डिवाइड करेगा। हम अब रिजल्ट n के लिए प्रूव कर देते हैं। तो इसने लिखा है सपोज लेमा इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर लेस देन n, मतलब n माइनस 1 के लिए हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि n से छोटे जितने भी नंबर है सभी के लिए एक पक्का प्राइम नंबर प्राइम डिवाइजर है उसका। नाउ कंसीडर n। अब n माइनस 1 के लिए n के लिए प्रूव करना है हमें, इफ़ n इज़ प्राइम, अगर n ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, अगर ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो n को डिवाइड करता ही है, इसका मतलब नथिंग टू प्रूव, हमें कुछ प्रूव करना ही नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि n हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर हो, अगर n हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर है तो n को डिवाइड करने वाला एक ऐसा नंबर ज़रूर होगा जिसको हमने n1 मान लिया, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके पास 1 और खुद को छोड़ के एक ऐसा नंबर मिल जाए जो उसको डिवाइड कर रहा हो, तो वो हमने n1 मान लिया। इसी प्रकार से n2 n3 कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर n कॉम्पोजिट रहता है तो n कैन बी रिटन एज लाइक दिस n1 into n2, ठीक है? और जो ये 1 n1 और n2 है ये इसके बीच में लाई करेंगे, 1 और n के बीच में। अगर ऐसा है दिस इम्प्लाइज दैट, और ये अंडरस्टूड है कि n1 है वो भी n से छोटा है और n2 है वो भी n से छोटा है, ठीक है? और ये हमने माना हुआ है, एज्यूम करा हुआ है कि n से छोटे नंबर के लिए हमें एक प्राइम पक्का मिलेगा जो उसको डिवाइड कर देगा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ऐसा है हमने एज्यूम किया हुआ है तो एक पक्का प्राइम p1 ऐसा ज़रूर मिलेगा जो n1 को डिवाइड कर देगा, और ऐसा प्राइम p2 ज़रूर मिलेगा जो n2 को डिवाइड कर देगा, और n है उसको हमने क्या लिखा हुआ है n1 into n2, एंड दिस इंप्लाइज दैट p1 ऑल्सो डिवाइड n एंड p2 ऑल्सो डिवाइड n, और n के लिए हमें क्या मिल गया, एक प्राइम। एक चाहिए था हमें, तो p2 को ना भी लिखे तो भी काम चल जाएगा, एंड हेंस टू प्रूव थ्योरम हमारे पास प्रूव हो गई। एनी डाउट? नो सर। क्लियर? इसी प्रकार से नेक्स्ट थ्योरम है कि द नंबर्स ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट, कि जो नंबर ऑफ प्राइम होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, हमें पहले ही पता है लेकिन प्रूव करना, इसको यूक्लिड थ्योरम भी हम बोलते हैं। सपोज दैट द नंबर ऑफ प्राइम आर फाइनाइट, हम इसका अपोजिट मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं वो फाइनाइट है, तो उनकी कुछ वैल्यूज होगी, उन फाइनाइट को हम लिख भी सकते हैं, तो उनको हमने लिख लिया, ये थ्योरम कर रहे हैं हम, थ्योरम नंबर सेकंड, p1 p2 एंड अप टू सो ऑन pn, मान लिया हमने इतने ही प्राइम नंबर है, ठीक है?
अगर इतने ही प्राइम नंबर है तो मैं एक नेचुरल नंबर लेके चलता हूँ जो इन प्राइम से मैंने बनाया, उसको मैंने लिख दिया पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री एंड अप टू सोन पी आर, और इसमें वन ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम जो नेचुरल नंबर एन लेके चले हैं, कैपिटल एन, देखो जो नेचुरल नंबर की नोटेशन होती है वो ये होती है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम, तुमने देखा भी होगा ऐसे, ये नेचुरल नंबर का सेट होता है और ये सिंपल एन है, सिंपल एन मतलब एक नेचुरल नंबर हमने लिया है, सच दैट जो एन है तुम्हारे पास ये ग्रेटर देन वन है। और अभी हमने ऊपर रिजल्ट पढ़ाया कि कोई नेचुरल नंबर वन से बड़ा है तो उसको एक प्राइम पक्का डिवाइड करता है, ठीक है, तो उसके लिए हमने एक प्राइम मान लिया पी विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन, अंडरस्टूड है, ठीक है, तो वो हमने मान लिया, ओके। अब ये प्राइम है, अब प्राइम तो उसने बोल दिया कि प्राइम तो भैया होते ही इतने हैं, होते ही इतने हैं, तो जो पी है वो भी इसमें से कुछ हो, कुछ पी वन हो सकता है, पी टू हो सकता है, पी थ्री हो सकता है, पी टेन हो सकता है, तो कुछ ना कुछ इसमें से ही होगा, तो वो हमने पी पी आई लिख दिया क्योंकि उसने मान रखा है कि प्राइम्स तो फाइनाइट होती है, फाइनाइट है, और प्राइम एन को पी है वो एन को डिवाइड करेगा, तो जो पी है वो इन प्राइम्स में से कोई एक होगा, तो पी को आई कैन राइट एज पी आई, ओके। अब देखो, अब पी है, अगर P इनमें से ही कोई है तो जो P है वो इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, P1, P2 एंड अप टू सो ऑन PR, इसको डिवाइड करेगा, और हमने ऊपर मानना हुआ है कि जो N है उसको भी P डिवाइड करेगा, ये मानना हुआ है। और ये नंबर थ्योरी का बेसिक सा रिजल्ट होता है कि अगर कोई A B को डिवाइड कर रहा है और A C को डिवाइड कर रहा है तो A B प्लस C को भी डिवाइड करेगा और A B माइनस C को भी डिवाइड करेगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट P अगर N को डिवाइड कर रहा है और P इन की प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर रहा है तो जिनको दोनों को डिवाइड कर उनकी उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज दैट P डिवाइड्स N माइनस दिस, यानी A B माइनस C इसको भी डिवाइड करेगा, तो यहां से हो गया N माइनस दिस। और देखो हमने N को क्या मानना हुआ था, दिस प्लस वन, अब मैं इसको उठा के इस तरफ लेके चला जाऊंगा तो वन इज इक्वल टू एन माइनस पी वन पी टू एंड अप टू सोन पी आर, इसका मतलब P किसको डिवाइड कर गया, वन को डिवाइड कर गया। क्या कोई नंबर, क्या कोई प्राइम नंबर वन को डिवाइड करता है, इज दैट पॉसिबल, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन एंड हेंस अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने गलत एज्यूम किया था कि प्राइम्स नंबर फाइनाइट होते हैं एंड हेंस द प्रूफ, इसका मतलब प्राइम्स नंबर फाइनाइट होते हैं, इज दैट क्लियर, कुछ भी डाउट हो तो उनसे पूछ सकते हो आप, ओके। इसी टाइप से नेक्स्ट है, ये हम बेसिक लोअर क्लास में भी करते थे इस टाइप के रिजल्ट कि द प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 3 आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। ऊपर जो रिजल्ट पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि जितने प्राइम्स हैं वो सारे इनफाइनाइट होते हैं। अब जो बेसिकली पार्टिकुलर जो केस है उसने ले लिया कि इस टाइप के प्राइम नंबर 4n प्लस 3, ठीक है, इस टाइप के प्राइम नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। आगे उसने थ्योरम में लिखा हुआ है कि 6n प्लस 5 इस टाइप के प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, तो इसके लिए सेम रिजल्ट चलेगा, सेम प्रूफ चलेगा जो मैंने ऊपर रिजल्ट करवाया है। इफ पॉसिबल सपोजिशन है वो हम अपोजिट मान के चलेंगे कि मान लिया हमने इस टाइप के नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट है, तो उनको हमने मान लिया कि वो पी वन पी टू पी आर है, फिर एन को जिस टाइप के चाहिए ना हमें, एन को उसी टाइप का एज्यूम कर लेंगे हम। अब ये तो देखो यहाँ पे हमें चाहिए था 4n प्लस 3, तो यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग और यहाँ पे माइनस 1, ताकि हमारे पास लास्ट में ये आ जाए कि P1 को डिवाइड कर रहा है, इस स्टेप से मान लिया। फिर ऐसी चीज़ वही करेंगे हम, ऊपर हमने रिजल्ट पढ़ा है कि N के पास एक प्राइम डिवाइजर होगा, ये होगा वो होगा, तो P है वो N को डिवाइड करेगा, P है वो P1 P2 एंड अप टू सो Pn को डिवाइड करेगा। और ये भी रिजल्ट होता है कि अगर A B को डिवाइड करता है, A C को डिवाइड करता है, तो A है वो BX प्लस CY को भी डिवाइड करेगा। X और Y कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं या इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक नंबर थ्योरी का बेसिकली ग्रेजुएशन का रिजल्ट होता है। तो यहाँ से जो P है वो 4 इंटू एन, यानी X की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 4 इंटू एन, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और माइनस यहाँ पे लिख दिया हमने पी वन, सॉरी ये 4 नहीं, 4 इंटू पी वन पी टू एंड अप टू सोन पी आर माइनस वन, इसको एन इसको डिवाइड करेगा और यहाँ से ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, वन हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट पी डिवाइड्स वन, एंड अगेन वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, एंड दिस इंप्लाइज दैट अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, एंड दिस इंप्लाइज दैट 4n प्लस 1 3 टाइप्स प्राइम आर इनफाइनाइट, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट रिजल्ट है, ये भी आगे लिखा उसने 6n प्लस 5, फिर उसने नेक्स्ट थ्योरी लिखा है 4n प्लस 1, उसे नेक्स्ट रिजल्ट में लिखा है उसने 10 प्लस 5, ठीक है, इस स्टेप से आप इनको प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसे प्रूफ चलेंगे, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, इज दैट क्लियर,
Now come to the most important topic of the first class, Fermat's number क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे Mersenne number क्या होते हैं, question आएगा 2 marks में, what is Fermat number, ठीक है? तो Fermat number क्या होता है कि कोई भी number इस type का किसी natural number के लिए जो 2 raised to power n plus 1 type का होगा, इसको हमने नाम दिया है Fermat number. Fermat एक mathematician थे, उन्होंने इसको इजाद किया था कि fn है वो 2 raised to power n plus 1 इस टाइप का होगा. इसमें आप n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 नेचुरल नंबर है वो डाल के आप पुट भी कर सकते हो. तो यहाँ से f 0, अगर n 0 डाल दिया तुमने तो ये 3 आ जाएगा, f अगर तुमने 1 डाल दिया तो ये 5 आ जाएगा, अगर f आपने 2 डाल दिया तो ये 17 आ जाएगा, f अगर 3 डाल दिया तो ये 257 आ जाएगा, f अगर आपने n अगर 4 डाल दिया तो ये 65537 आ जाएगा. कैलकुलेट किया हुआ है उसने ऑलरेडी. अब देखो नोट करने वाली बात क्या है, और इस पे रिसर्च चल रही है कि आपने एफ जीरो कैलकुलेट किया, एफ वन कैलकुलेट किया, फिर एफ टू कैलकुलेट किया, फिर एफ थ्री कैलकुलेट किया, जितने भी आपने नंबर कैलकुलेट किए हैं जिनको हम परमानेंट नंबर बोल रहे हैं, 3, 5, 17, 2, 57, 6, 5, 3, 7, ये सारे सारे प्राइम नंबर है. पहली बात नोट करी किसी ने कि भैया सारे प्राइम नंबर है, ओके. उसके बाद एफ फोर तक लिखा है मैंने, एफ फाइव नहीं लिखा मैंने. एफ फाइव जब किसी ने कैलकुलेट किया, जो तुम्हारे पास नंबर आएगा वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, और वो एक कॉम्पोजिट नंबर होगा क्योंकि देखो सबसे बड़ी महाभारत मैथमेटिक्स में क्या है कि आप किसी नंबर को प्राइम है या नहीं ये कैसे जज करोगे. इसके लिए ना कोई कोई आर या पार फॉर्मूला है कि देखो ये ऐसे करो और ये आ जाएगा कि ये प्राइम है नहीं, ऐसे नहीं है मैथमेटिक्स में. आपको अगर मैं 1000 में से कोई 1 to 1000 भी एक नंबर दे दूं कि चेक करो इसको प्राइम है या नहीं, तो कोई बता ये नहीं कि 2 मिनट बता देगा सर प्राइम है प्राइम नहीं है, ठीक है. इट्स डिपेंड ऑन नंबर की वो नंबर भी कैसा है. तो इसी प्रकार से अगर एफ फाइव कैलकुलेट किया उसने, यानी 2 raised to power 5 plus 1, तो वो एक मैथमेटिशियन थे आयलर, उसने प्रूव किया कि भैया ये नंबर है ना, ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है. कॉम्पोजिट मतलब आगे प्रूव भी करेंगे हम थोड़ी देर बाद, आगे दिया भी है उसने 4.7 कि F5 है वो कॉम्पोजिट होता है, तो उसने प्रूव किया कि कॉम्पोजिट है. उसके बाद ये भी बोला गया कि भैया F5 के बाद आप F6, F7, F कितने भी नंबर ले लो वो कोई प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है. और क्योंकि F0, F5, F2, F3 ये सारे प्राइम नंबर है, तो इन प्राइम नंबर को हमने थोड़ी इज्जत देने के लिए इनका हमने नाम रख दिया फर्मेट प्राइम, ठीक है. इनको हम नाम दे रहे हैं फर्मेट प्राइम, 3, 5, 17, 2, 57 और ये नेक्स्ट नंबर है 4, इनको हमने नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड फर्मेट प्राइम. ये फर्मेट प्राइम होते हैं, प्राइम तो होते ही हैं लेकिन फर्मेट की वजह से इनको हमने नाम दे दिया फर्मेट प्राइम. अब थ्योरम देखो, थ्योरम यही है, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है थ्योरम 1.7 कि जो भैया एफ आई होता है ना वो कॉम्पोजिट नंबर होता है. कोई महाभारत नहीं है, इसको मैं 2 मिनट में प्रूव कर दूंगा कि कॉम्पोजिट कैसे है. थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन इसने लिए लिए कि जो देखो एक नंबर ले लिया ए जिसको 128 बोल दिया. अब 128 को मैं 2 raised to power 7 भी बोल सकता हूँ. एक नंबर ले लिया बी उसको 5 बोल दिया. अब देखो क्या मैं 128 को 125 प्लस 3 बोल सकता हूँ क्या? फिर मैं 128 को 5 की पावर 3 प्लस 3 बोल सकता हूँ क्या? फिर 128 को मैं 2 raised to power 7 इज इक्वल टू 5 raised to power 3 plus 3 बोल सकता हूँ क्या? अब 2 raised to power 7 को उसने क्या बोला हुआ है? ए बोला हुआ है, 5 को उसने बी बोला हुआ है, तो ए इज इक्वल टू b raised to power plus 3. ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है. एनी डाउट? नो सर. अब मैं क्या करता हूँ, इस b की पावर 3 को इस तरफ ले आता हूँ, तो a माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू 3. ओके, तो इसको एक बार स्टैंड बाय मोड पे रखते हैं हम. अब देखो यहाँ पे इसी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ. देखो फिर ये एक नंबर लेके चला 1 plus a b minus b की पावर 4. अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 plus b कॉमन ले लिया मैंने, a माइनस बी की पावर 3, और a माइनस बी की पावर 3 किसके इक्वल आया हुआ है, 3 के इक्वल आया हुआ है. तो आई कैन राइट इट एज 1 plus 3 इनटू b, और b की वैल्यू कितनी है भैया, 5 है. तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा. यानी 1 plus a b plus minus b की पावर 4 को मैं 16 लिख सकता हूँ, या 16 को मैं 1 plus a b minus b की पावर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है. अब आ जाते हैं हमारे नंबर पे f5, ठीक है, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. f5 इज इक्वल टू ये 2 raised to power 2 raised to power 5 plus 1, ठीक है. आई कैन राइट इट एज 2 raised to power 3 raised to power 2 raised to power
टू की पावर टू प्लस वन, टू की पावर थ्री को मैंने ब्रेक कर दिया, टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर टू, यानी ए की पावर बी इंटू सी है, इसको मैं ए की पावर बी की पावर सी लिख सकता हूँ, नंबर थ्री का रिजल्ट है, लोअर क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। ओके, अब टू की पावर थ्री की पावर टू, ठीक सॉरी टू की पावर थ्री, थ्री की पावर टू लिख दिया, टू की पावर थ्री कितना होता है एट, तो इसके लिख दिया इसने टू की पावर एट की पावर फोर प्लस वन। ओके, एंड दिस इंप्लाइज दैट टू की पावर एट को उसने लिख दिया टू की पावर वन इंटू टू की पावर सेवन। ओके, और टू की पावर सेवन का नाम हमने क्या दिया हुआ है, टू की पावर सेवन को तो हमने ए बोला है, तो हो जाएगा तुम्हारे पास 16 ए, ठीक है, टू की पावर फोर था ना उसको उसने 16 बोल दिया, टू की पावर सेवन था उसने ए बोल दिया, तो ये ए की पावर फोर हो गया प्लस वन एज इट इज। ठीक है, अब 16 की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है, ये रही 16 की वैल्यू, 16 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ए की पावर फोर प्लस वन एज इट इज, ए की पावर फोर की मल्टीप्लाई कर दी और टर्म को डिवाइड कर दिया, ये पहली दो टर्म तो यहाँ लिख दी और लास्ट की दो टर्म यहाँ लिख दी, क्योंकि टोटल टर्म चार है हमारे पास। अब फर्स्ट की जो टर्म है उसको एज इट इज रखा, नेक्स्ट टर्म में ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दिया, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मैथ्स के स्टूडेंट को पता होता है ये। ठीक है, तो इसमें ए क्या है, ए तो वन है और बी क्या है, ए इंटू बी है, तो वन माइनस ए की पावर फोर इंटू बी की पावर फोर, आई कैन राइट इट एज वन माइनस ए इंटू बी का स्क्वेयर, अब इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस ए बी इंटू वन प्लस ए बी, समझ गए, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है। अब दोनों में से 1 प्लस ए बी कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए बी कॉमन लेके यहाँ पे जो टर्म बच गई उसको उसने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू पता है तुम्हें, बी की वैल्यू पता है, जब ये नंबर उसने कैलकुलेट किया 1 प्लस ए बी तो ये 641 आ गया। अब एक ऐसा नंबर 641 जो एफ फाइव को डिवाइड कर रहा है, जो 641 है ना तो वो एफ फाइव के इक्वल है और 641 है वो ना 1 के इक्वल है, तो ऐसा कोई नंबर जिसको खुद और वन को छोड़ के कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम होता है, कंपोजिट होता है बच्चों, कंपोजिट, यही प्रूव करना था, एंड हैज द प्रूफ, वो नंबर कंपोजिट होता है। तो 641 एक ऐसा नंबर है जो एफ फाइव को डिवाइड करता है, किसी नंबर को कंपोजिट प्रूव करने के लिए आप एक ऐसा नंबर जो खुद के इक्वल ना हो और वन के इक्वल ना हो उससे डिवाइड हो रहा हो ऐसा प्रूव कर दीजिए, तो वो नंबर हमारे पास कंपोजिट हो जाता है, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। इसी प्रकार से नेक्स्ट थ्योरम है कि सारे के सारे फर्मेट नंबर है वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ठीक है, पहले बताओ किसी बच्चे को रिलेटिवली प्राइम है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं पूछता हूँ ना कि ए और बी, ए और बी रिलेटिवली प्राइम है तो इसका मतलब भैया ए और बी का जीसीडी वन है। मैंने रिलेटिवली प्राइम है ये कहीं नहीं बोला है कि ए और बी एक प्राइम नंबर हो, नहीं, अगर मैंने बोल दिया ना 4 और 9 इनका जीसीडी 1 है तो आई कैन से 4 एंड 9 आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो ये दो नंबर जिनका जीसीडी 1 होता है उनको हम रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि प्राइम ही रिलेटिवली प्राइम होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 2, 3 इज इक्वल टू 1, यस ऑफ कोर्स 2 एंड 3 इज आल्सो रिलेटिवली प्राइम, लेकिन 4 और 9 है वो भी रिलेटिवली प्राइम है, तो कोई नंबर खुद प्राइम ना हो तो भी रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने बोला, अभी मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि मैंने बोला है कि भैया 5 के बाद तो कोई नंबर, कोई फॉर्मेट नंबर प्राइम होता ही नहीं है, दैट्स व्हाई, और उसने क्या बोला है सारे के सारे फॉर्मेट नंबर प्राइम रिलेटिवली प्राइम होते हैं, तो रिलेटिवली प्राइम के लिए नंबर का खुद का प्राइम होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एनी डाउट? ओके, तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैंने दो फॉर्मेट नंबर ले लिए, एक तो ले लिया FM, ठीक है, जिसको मैंने 2^2 m+1 लिख दिया, एक ले लिया मैंने fn जिसको मैंने 2^2 n+1 लिख दिया। रिलेटिवली प्राइम है तो मुझे इनका जीसीडी 1 दिखाना है, अगर इनका जीसीडी 1 आ गया और मैंने कोई पार्टिकुलर लिए नहीं है और ना मैंने ये लिया कि अच्छा दो डिफरेंट लेने हैं तो ये अंडरस्टूड है कि m n के इक्वल नहीं है, क्योंकि भैया a कोई नंबर खुद के साथ रिलेटिवली प्राइम कभी होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि a का a के साथ जीसीडी 1 है, वन नहीं होता है। ठीक है, ए का ए के साथ जीसीडी ए होता है। ठीक है, कोई नंबर खुद के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एम इज मस्ट बी नॉट इक्वल टू एन। तो हमारे पास दो केस हो सकते हैं, या तो एम एन से बड़ा हो सकता है या एम एन से छोटा हो सकता है, तो भैया दोनों ही एक्सप्लेन करेंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम इनमें से एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं, और इस बात को लिखने के लिए मैथमेटिक्स में वर्ड यूज करते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कि अगर मैं m greater than n के लिए प्रूव कर दूं तो m less than n के लिए प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि m is greater than n है, इस केस को हम डिस्कस करते हैं, तो अगर m
ग्रेटर देन एन है, तो एन में कुछ नंबर जोड़ के एम बनेगा, तो वो नंबर हमने क्या मान लिया, के विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एफ एम है, एफ एम एम की वैल्यू एन प्लस के ये लिख दी मैंने, तो जहां जहां इसमें एम है वहां पे एन प्लस के लिख दिया, लास्ट से लास्ट की तरह के को अलग कर दिया, एन को अलग कर दिया, ये हो गया 2^2 n^2 k+1। अब बार बार ये 2^2 n ना लिखना पड़े, इससे बचने के लिए हमने इसका नाम दे दिया कि इसको हम x बोल रहे हैं, ठीक है। तो एफ एम क्या हो जाएगा, x^2 k+1। अब देखो हमने ये, अब ये प्रूव करना है कि एफ एम और एफ एन का जीसीडी 1 है, तो मैं ये यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ कि जो एफ एन है वो एफ एम माइनस 2 को डिवाइड कर रहा है। तो मैंने क्या किया, ये फ्रैक्शन में लेके चला, एफ एम माइनस 2 अपॉन एफ एन, एफ एम की वैल्यू पुट कर दी, 1 - 2 - 1 होता है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया a² - b² का, ठीक है, x^2 2k - 1, इसको मैं लिख सकता हूँ x^2 k - 1 का स्क्वेयर, ठीक है, -1 का स्क्वेयर। तो यहाँ से a का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, उसको ओपन कर दिया, a + b a - b, ठीक है। और इसी तरीके से फिर मैं इस नेक्स्ट को ओपन कर दूंगा, फिर नेक्स्ट को ओपन कर दूंगा, नेक्स्ट को ओपन कर दूंगा, जिसमें माइनस वाली टर्म है ना उसको मैं ओपन करता चला जाऊंगा और लास्ट में ना हमें ये बचेगा x - 1 और x + 1। और एफ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसको मैंने x माना हुआ है, तो इसको x माना हुआ है, तो एफ एन की वैल्यू हो जाएगी x+1। तो यहाँ से x+1 से कैंसिल, एंड दिस इंप्लाइज दैट, देखो ये अगर इसमें है और हमारे पास एक नंबर आ गया, इसका मतलब जो एफ एन है वो डिवाइड करता है एफ एम माइनस 2 को, इसको डिवाइड करता है, और यही हमें चाहिए था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखो हमें ये प्रूव करना है कि इनका जीसीडी 1 है, लेकिन हम इनका जीसीडी 1 नहीं मानते, हम इनका जीसीडी डी मान लेते हैं। अब देखो ये रिजल्ट है तो सभी को पता होगा कि ए और बी का जीसीडी अगर डी है, तो डी है वो ए को डिवाइड करेगा और डी है वो बी को भी डिवाइड करेगा। तो यही हमने मान लिया कि इनका जीसीडी डी है, तो डी है वो एफ एम को भी डिवाइड करेगा और एफ एन को भी डिवाइड करेगा। लेकिन भैया एफ एन तो ऑलरेडी इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी में क्या होगा कि डी है वो इसको भी डिवाइड करेगा, और फिर वही रिजल्ट लगा देंगे कि ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है, ए अगर सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए बी माइनस सी को डिवाइड करेगा। तो अगर डी एफ एन को भी डिवाइड कर रहा है और एफ एम माइनस 2 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट डी डिवाइड्स एफ एम माइनस एफ एम प्लस 2, एफ एम से एफ एम कैंसिल, डी डिवाइड्स 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो डी 2 को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, अगर डी 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 को डिवाइड करने वाला एक नेचुरल नंबर या तो 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। D है कोई नेचुरल नंबर होगा, वो 1 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 को भी डिवाइड कर रहा है, तो D आइदर 1 और 2, बट D है वो 2 नहीं हो सकता, यहाँ लिखा हुआ है, बट D इज नॉट इक्वल टू 2 सिंस ऑल फर्मन नंबर आर ओल्ड, ठीक है, सारे के सारे फर्मन नंबर प्राइम से ओड होते हैं, ठीक है, ये बताना भूल गया मैं। तो कोई भी इवन नंबर ओड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब D है वो 2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो D क्या होगा, 1 होगा, और D क्या माना, सब क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज, आवाज क्लियर नहीं है, ठीक है। तो D है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉर्मेट्स नंबर ओड होते हैं, ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज दैट डी इज इक्वल टू 1, और यही हमने प्रूव करना था कि एफ एम और एफ एन, एफ एन का जो जी सी डी है वो 1 है, एंड दिस इंप्लाइज दैट एफ एन एम, एफ एन एंड एफ एम आर रिलेटिवली प्राइम एंड हैज द थ्योरम। एनी डाउट, am I audible? Yes sir. Yes, sir. समझ आया है या वैसे ही हाँ कर रहे हो? ये थ्योरम जो आज हमने क्लास स्टार्ट होते ही प्रूव करी थी, वो इस फर्मेंट नंबर से भी प्रूव हो सकती है, उसने कॉरोलरी 1 कॉरोलरी 2, ठीक है, ये सेम एज इज एग्जांपल है जो आया है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, इसी टाइप से ये थ्योरम है, इनको भी आप, अभी तक जितना मैंने करवाया है उनमें से एक या एक नंबर का तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि फर्मन नंबर क्या होते हैं, दूसरा ये आ सकता है कि दिस 4n+3, 4 6n+5 इस टाइप के नंबर इनफाइनाइट होते हैं, ये प्रूव करो, ये एग्जांपल कर ये आया है, और इसी टाइप से जो दूसरी थ्योरम है, एक दो थ्योरम और है, ये थ्योरम है, ये एग्जांपल है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये फर्मेट नंबर्स में से आ सकते हैं, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मर्सेनी नंबर क्या होते हैं, ठीक है, अगर P कोई प्राइम नंबर है, इफ P
इज ए प्राइम नंबर, और ये अंडरस्टूड है मैं अपने सब्जेक्ट में जहां जहां पी यूज करूंगा वो अंडरस्टूड है कि वो प्राइम ही होगा, ठीक है। पूरे के पूरे एनालिटिक नंबर थ्योरी में जहां पर पी वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब वो प्राइम नंबर ही है, ठीक है। तो बार बार मैं नहीं बोलूंगा पी इज ए प्राइम, पी इज ए प्राइम, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक नंबर डिफाइन किया है एम पी, ठीक है। एम पी इज मर्सेनी नंबर, ठीक है, ओके। टू रेस टू पावर पी माइनस वन, इसको हम एक मर्सेनी नंबर बोलते हैं, ठीक है, जो एक प्राइम नंबर तो होता ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इस प्राइम नंबर को हम मर्सेनी प्राइम भी बोल देते हैं, ठीक है, मर्सेनी प्राइम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मर्सेनी नंबर, व्हाट इज मर्सेनी प्राइम। तो ये डेफिनेशन होती है कि टू पी माइनस वन टाइप का प्राइम मर्सेनी प्राइम होता है, और इसी टाइप का नंबर मर्सेनी नंबर होती है, ठीक है, ओके। अब देखो थ्योरम नंबर 1.9 बोलता है कि अगर ए ए कोई नंबर ले लिया हमने नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एन है वो भी एक नंबर है नेचुरल नंबर विच इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये दोनों नेचुरल नंबर ले लिए हमने, तो अगर लेट कर लिया कि ए एन माइनस वन अगर ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम होगा, तो भैया ए को तो 2 होना पड़ेगा और एन को एक प्राइम नंबर होना पड़ेगा। थ्योरम आई समझ में? अगर ए कोई नंबर है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नेचुरल नंबर, हाँ ये भी आपको बता दूं मैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं नंबर की बात करूंगा तो वो नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि नंबर थ्योरी में नेचुरल नंबर ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। जहाँ पे इंटीजर या अदर देन कुछ और बात आएगी तो वो मैं मेंशन करूंगा कि विच इज इंटीजर, रियल, कॉम्प्लेक्स, वरना नंबर बोला गया है तो ये अंडरस्टूड है नेचुरल नंबर की ही बात हो रही है, ठीक है। तो थ्योरम ये बोलती है कि अगर एन माइनस वन टाइप का नंबर प्राइम होगा तो ए को तो 2 होना पड़ेगा और एन को एक प्राइम नंबर होना पड़ेगा, और भैया ऐसा होगा तो उसको तो मर्सेनी नंबर बोला है हमने, तो वो एक मर्सेनी नंबर हो जाएगा। थ्योरम आई समझ? किसी भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले वो थ्योरम बोल क्या रही है, क्या कह रहा है, वो लेट गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, वो पता हो तो थ्योरम होगी, ठीक है। तुम्हें यही नहीं पता गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, तो फिर थ्योरम तो कैसे प्रूव करोगे, ठीक है, ओके। तो उसमें ये चीजें गिवन है, तो इस तरफ लिखी है ना, ये चीजें तो गिवन है, ठीक है, और ये चीजें हमें प्रूव करनी है कि ए टू ही होगा और एन एक प्राइम नंबर होगा, और अगर ए टू है और एन पी है तो यही नंबर तो टू की पावर पी माइनस वन बन जाएगा, और टू की पावर पी माइनस वन तो मर्सेनी नंबर होता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं सर उनको कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ए रेज़ टू पावर एन माइनस वन मस्ट बी ए मर्सेनी नंबर, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रूफ इज वेरी इजी, देखो एक मिनट में कर लेते हैं इसको प्रूफ को। हमें ये प्रूव करना है कि ए टू होगा एन पी होगा, बस ये प्रूव करना है। तो जो ए माइनस वन है वो गिवन है कि वो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो मैं उसको आर मान लेता हूँ, लेट दिस बी आर बी प्राइम, सो इट कैन हैव एनी फैक्टर क्यू, ठीक है। अगर प्राइम नंबर है तो इसके पास आर और वन के अलावा कोई भी प्राइम या कोई भी डिवाइजर नहीं होगा, ठीक है, यानी इसके पास ऐसा कोई क्यू नहीं होगा, ठीक है, सच दैट क्यू डिवाइड्स ए रेज़ टू पावर एन माइनस वन, ऐसा नहीं होगा इसके पास क्यू। तो हम इसको नंबर को लेके चले हैं ए एन माइनस वन, इसमें से मैंने ए माइनस वन कॉमन ले लिया, लोअर क्लास में भी करते हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस वन में से अगर मैं एक्स माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसी टाइप से इसमें से मैंने ए माइनस वन कॉमन ले लिया तो एक पावर कम और उससे पावर कम उससे पावर कम डिक्रीजिंग पावर, और प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ए माइनस वन कॉमन ले लिया, अब दिस इंप्लाइज दैट ए एन माइनस वन कैन बी रिटन एज ए माइनस वन इनटू दिस नंबर, एंड दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस वन डिवाइड ए एन माइनस वन, ठीक है। और मान के चले हैं कि जो ए है वो गिवन है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर ए टू से बड़ा हो गया, अगर ए टू से बड़ा हो गया तो ए माइनस वन यानी टू से बड़ा हो गया, तो मान लो थ्री मान लिया, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू, टू ग्रेटर देन वन, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट दिस गिवन ए कॉन्ट्राडिक्शन, ए माइनस वन गिविंग ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि अगर ए अगर ग्रेटर देन टू हो गया, टू में मान लो अब थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, तो ए माइनस वन, तो ये ए माइनस वन इसको डिवाइड कैसे करेगा, क्योंकि ये तो प्राइम होता है। दिस इंप्लाइज दैट ए मस्ट बी टू, और दूसरा हमें प्रूव करना है कि एन है वो पी होगा,
तो अगेन सपोज एन इज कॉम्पोजिट, उसका अपोजिट मान के चले, हमें प्रूव करना है कि एन एक प्राइम है, लेकिन हम मान के चले हैं कि वो कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर है तो एन को मैं पी इंटू क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है, वेर पी एंड क्यू आर ग्रेटर देन वन बट लेस देन एन, ठीक है, ये लिखा भी उसने यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसको लेके चलते हैं, ए एन माइनस वन, एन की वैल्यू पुट कर दी, ए रेज टू पावर पी क्यू माइनस वन। अब इसको मैं वही ए रेज टू पावर बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर बी की पावर सी, उसने कर दिया ए की पावर क्यू की पावर पी माइनस वन की पावर पी, इसमें से कॉमन ले लिया ए क्यू माइनस वन, ये रह गया यहाँ पे। अब दिस इंप्लाइज दैट ए क्यू माइनस वन डिवाइड्स ए एन माइनस वन। नाउ सिंस ए इज इक्वल टू टू एंड क्यू है वो वन और एन के बीच में है, दिस इंप्लाइज दैट जो ए क्यू माइनस वन है, ए की पावर क्यू माइनस वन है, वो लेस होगा ए एन माइनस वन से, एंड दिस इंप्लाइज दैट ए क्यू माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस। बट हम इसको मान के चले तो प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हमारा सपोजिशन इज रॉन्ग कि एन एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसका मतलब एन को एक प्राइम नंबर ही होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भैया इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है इस थ्योरम का, कि अगर ए टू है और पी एक प्राइम नंबर है तो देखो फॉर एग्जाम्पल कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ए को इसने टू ले लिया और पी को इसने इलेवन ले लिया, ठीक है, तो 2 की पावर 11 माइनस 1 इज नॉट ए प्राइम, सो 2 की पावर p नीड नॉट बी ए प्राइम फॉर ऑल प्राइम p, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी के लिए एक प्राइम नंबर ही होगा, ओके क्लियर है। लेकिन अगर 2 की पावर p या a की पावर p या a की पावर n माइनस 1 अगर प्राइम है तो a को 2 और फिर n को एक प्राइम नंबर ही होना पड़ेगा, यानी इस थ्योरम कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी अगर इसका ये पूछ लेना कि अगर a 2 है और n p है तो क्या 2 की पावर p माइनस 1 इज ऑलवेज प्राइम, तो आंसर आएगा नो, जरूरी नहीं है। इसके लिए आप a को 2 ले लीजिए, p को 11 ले लीजिए, तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो, ठीक है, वो कैलकुलेट करके तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसको आप कर सकते हो कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक थ्योरम है कि 2 की पावर 11 माइनस 1 इज नॉट ए प्राइम। इज दैट क्लियर? यस सर। थ्योरम नंबर 1.10 इसी टाइप से है कुछ कुछ, अगर ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ए एन प्लस 1 अगर एक प्राइम नंबर है, अगर ये प्राइम है, ठीक है, देन एन इज इक्वल टू 2 की पावर के, और ये एक फर्मेट नंबर होता है, ठीक है, अभी मैंने बताया था, तो एन एक टू, एन एक 2 की पावर के टाइप का नंबर ही होगा, ये हमने प्रूव करना, ठीक है, क्लियर। और n की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर k होगा और ग्रेटर देन 1 होगा और a है वो इवन होगा, ये भी प्रूव करना है, a इज इवन, ये हमें प्रूव करना है और ये चीजें हमें गिवन है, ओके। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, पहले तो मान लेते हैं a इज इवन है ना, ये प्रूव करना है, अगर a ओड हो गया, ठीक है, a odd हो गया तो a greater than equal to 2 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर a greater than 2 है, 2 तो हो ही नहीं सकता, तो I can write it as a is greater than equal to 3 ना, ठीक है, क्लियर है। सो अगर a greater than equal to 3 है तो a की पावर n plus 1 हमेशा एक इवन नंबर होगा, ठीक है, आप कर सकते हो 3 plus 1, 3 की पावर 2 plus 1, 3 की पावर 3 plus 1, वो एक पक्का इवन नंबर ही होता है, ठीक है, और greater than 1 होता है, and so कैन नॉट बी ए प्राइम, तो ये एक प्राइम हो ही नहीं सकता, इसलिए ए को क्या होना पड़ेगा, इवन ही होना पड़ेगा, तो ए मस्ट बी इवन, एक पार्ट तो हमने कर दिया प्रूव। दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि एन ना वो 2 की पावर के टाइप का होगा। नेक्स्ट वी क्लेम दैट नो ओड प्राइम डिवाइड एन, हम ये क्लेम करते हैं कि एन को यहाँ पे, इस एन को कोई भी ओड प्राइम डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, ओड प्राइम डिवाइड नहीं करेगा तो वो इवन ही होगा, क्योंकि 2 की पावर ए को कोई ओड प्राइम थोड़े डिवाइड कर सकता है। इफ पॉसिबल, मान के चलो ऐसा पॉसिबल हो कि एन ओड प्राइम पी डिवाइड्स एन, मान के चले हैं कि पी है वो एन को डिवाइड कर रहा है, देन अगर पी एन को डिवाइड कर रहा है तो एन है वो पी इंटू क्यू टाइप का लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, कि इफ ए डिवाइड बी देन बी कैन बी रिटन एज ए इंटू सी, ठीक है, इफ पी डिवाइड्स एन देन एन कैन बी रिटन एज पी इंटू क्यू, वेर क्यू इज ए नेचुरल नंबर, जो मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है, ये मान लिया हमने। तो अब यहाँ पे देखो इसको लेके चले चले हम ए एन प्लस, सॉरी ए एन प्लस वन, एन की वैल्यू पुट कर दो ए की पावर पी क्यू प्लस वन। अब सेम एस टी जिसको मैं ए की पावर क्यू की पावर पी प्लस वन लिख सकता हूँ, ठीक है, अब वन को भी मैं वन की पावर पी लिख सकता हूँ, विच कैन बी रिटन एज ए क्यू प्लस वन, ये कॉमन ले लिया मैंने,
यहाँ पे, अब ये कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो माइनस में होगी, ए की पावर पी माइनस वन, ठीक है, माइनस ए की पावर पी माइनस टू एंड अप टू सोन माइनस वन, इस टाइप से रह जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज दैट ए की पावर क्यू प्लस वन डिवाइड ए की पावर एन प्लस वन, इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर आ गया, फैक्टर आ गया तो भैया ये तो एक प्राइम नंबर था, देखो ये क्या गिवन है, ए एन प्लस वन इज ए प्राइम नंबर, लेकिन आप तो क्यू विच इज लेस देन पी एक ऐसा नंबर लिया है जो ए एन प्लस वन डिवाइड करता है, लेकिन प्राइम नंबर को तो खुद और वन के अलावा कोई डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन एंड हैंस आवर सपोजिशन रॉन्ग, इसका मतलब एन है वो एक इवन नंबर ही होगा, यानी एन मस्ट बी, हमने क्लेम किया था नॉट प्राइम डिवाइड एन, इसका मतलब एन है वो टू की पावर के ही होगा, एन मस्ट बी पावर ऑफ टू, ये लिखा भी हुआ है, नो ऑड प्राइम डिवाइड एन ओनली टू डिवाइड एन, तो अगर कोई इसी नंबर को सिर्फ टू ही डिवाइड कर रहा है तो फिर वो नंबर तो टू की पावर के टाइप का ही होगा, यानी वन हो सकता, सॉरी फोर हो सकता है, सिक्सटीन हो सकता है, एट हो सकता है, थर्टी टू हो सकता है, वन ट्वेंटी, और इस टाइप के नंबर को हम टू की पावर के टाइप नंबर बोलते हैं, एंड हैंस द प्रूफ, ये प्रूव करना था हमें। थ्योरम समझ आई? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है, एक थ्योरम आपके लिए छोड़ देता हूं। नेक्स्ट है फेरी सीरीज। फेरी सीरीज क्या होती है, इंटरेस्टिंग है ये भी, कैसे बनाई जाती है फेरी सीरीज, देखो ध्यान रखना, इसमें से एक या दो थ्योरम पक्का आएगी फेरी सीरीज में से, ओके, सारी थ्योरम सिमिलर है, आपको एग्जाम में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि अगर आपको सारी थ्योरम भी आती है तो पूछी कौन सी गई है, ठीक है, क्योंकि सारी थ्योरम में माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है, थ्योरम तब समझ में आएगी जब तुम्हें फेरी सीरीज समझ में आएगी, ठीक है, कि फेरी सीरीज कैसे बनी है, ठीक है, अब फेरी सीरीज की ही ऑब्जर्वेशन उनको उसने थ्योरम बोल रखा है कि भैया ऐसा हो रहा है इसमें, इसमें ऐसा हो रहा है, उनको थ्योरम नाम दे दिया उसने, तो ऐसे है इसमें, ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या पूछ लिया बता दें, ठीक है, तो देखो फेरी सीरीज कैसे बनती है वो मैं बता रहा हूँ आपको, नेचुरल नंबर ले लिया एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है, एक फ्रैक्शन हम बनाएंगे एच बाई के, ठीक है, जो ये फ्रैक्शन है ये वन या वन से छोटा होगा और जीरो या जीरो से बड़ा होगा, इस टाइप का फ्रैक्शन बनाएंगे। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर कोई नंबर या कोई फ्रैक्शन एच के टाइप का जीरो और वन टाइप का हो तो कैसा ऐसा हो सकता है कि एच बड़ा हो और के छोटा हो? न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो भैया वो नंबर कभी भी जीरो और वन के बीच में तो लाई नहीं करेगा, वो वन से बड़ा नंबर होगा, तो ये अंडरस्टूड है, तो उसने बुक में लिखी हुई नहीं है बात, मैं लिख देता हूँ या तुम भी लिख सकते हो साइड में कि h इज लेस देन k, ठीक है, समझदार बच्चे तो समझ ही गए लेकिन मैं लिख देता हूँ ऐसा है, ठीक है, और जो नीचे डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, यानी जो k है नीचे आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है वो भी n से लेस और 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हम इस टाइप के नंबर को n को फिक्स करना है सबसे पहले हमें, देखो जैसे लिखा हुआ है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए है, ये n इज इक्वल टू 2 के लिए है, ये n इज इक्वल टू 3 के लिए है, ये n इज इक्वल टू 4 के लिए है, तो इस टाइप से हमें ये करना है। अब इस टाइप के जितने भी नंबर बनेंगे ना उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो तो वह एक फेरी सीरीज बन जाती है, ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड कि k है वो एक नेचुरल नंबर होगा और h बाई k टाइप के फ्रैक्शंस को हम पहले तो n डिसाइड कर लेंगे, n डिसाइड करके फिर h के डिसाइड करेंगे, k है वो n से छोटा होगा और n भी नेचुरल नंबर है, तो जैसे मैं f f1 और f2 आपको बना के बनाना सिखाता हूँ, ठीक है, तो मान के चलो मैंने n1 ले लिया, n1 ले लिया तो k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भैया बताना, बताओ कोई भी स्टूडेंट, ओनली वन, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन ही हो सकती है, मैंने बोला वन से वन या वन से छोटे नेचुरल नंबर बताओ, मैंने यही तो बात पूछी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो भैया वन या वन से छोटे नेचुरल नंबर तो फिर वन ही होगा, ये क्या पूछ रहे हो आप, के की वैल्यू वन होगी है ना, ओके,
और ऊपर आप जीरो भी इंक्लूड कर सकते हो, यानी एच की वैल्यू हो, देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, जीरो जीरो भी ले सकते हो आप। तो एच की वैल्यू बताओ क्या क्या हो सकती है। जीरो एंड वन, जीरो एंड वन, तो एच की वैल्यू जीरो और वन हो सकती है। अब यहाँ पे दो नंबर बन सकते हैं, जीरो बाय वन और वन बाय वन। अब इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है हमें। तो यही है ये जो ऊपर लिखा हुआ, तो देखो ये लिख दिया, पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तो ये F1 बन गई, ठीक है, फेरे सीरीज बन गई। इसी टाइप से अगर n को मैंने 2 ले लिया, इफ आई टेक n इज इक्वल टू 2, n को मैंने 2 ले लिया, तो k की वैल्यू बताओ बच्चों क्या क्या हो सकती है। 1 एंड 2, 2 तो ले ही नहीं सकते आप, ठीक है, वैसे ले सकते हैं, 2 बाई 2 वो 1 हो जाएगा, है ना, वो लिख दिया उसने। तो ये ले लिया मैंने, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ये ले ली। तो यहाँ से h की वैल्यू बताओ क्या क्या हो सकती है। जीरो नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, क्योंकि अपॉन में जीरो नहीं ले सकते आप, 1 और 2 होगी। और बताओ h की वैल्यू बताओ क्या होगी। 0, 1 एंड 2, 0, 1, 2, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे नंबर बताओ कितने बनेंगे, नंबर बनेंगे 0 बाय 1, 1 बाय 1, या इसको 2 बाय 2 भी बोल सकते हो आप, और एक 1 बाय 2 बनेगा। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, तो पहले आएगा 0 बाय 1, फिर आएगा 1 बाय 2, और फिर आएगा 1 बाय 1, तो ये F2 बन गई। ठीक है, बनानी आ गई। यस सर। इसी प्रकार से आप F3 बना सकते हो, इसी टाइप से आप F4 बना सकते हो, इसी टाइप से आप F5 बना सकते हो। अब यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन है, और उस उन ऑब्जर्वेशन को उसने थ्योरम बोला हुआ है कि भैया ये फेरे सीरीज में देखो ये हो रहा है। अब जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, तो देखो थ्योरम नंबर 1.12, थ्योरम नंबर 12 क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि अगर मैं एच बाई के और एच डैस बाई के डैस दो कंजुकेटिव, कंजुकेटिव मतलब लगातार, जैसे 1/2 के बाद 2/3 आ रहा है, 2/3 के बाद 1/1 आ रहा है, तो इनको लगातार कंजुकेटिव नंबर मेंबर्स बोलते हैं। अगर मैं एफ एन के कोई भी दो फ्रैक्शन लूँ, तो भैया मेरे को ए और बी दो ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि उनकी उन कंजुकेटिव नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है उनका सम हमेशा इस एन से बड़ा हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो ऑब्जर्वेशन F3 उठा लेता हूँ मैं, F3 में मान लो मैंने कंजुकेटिव नंबर ये और ये उठा लिया, 1/3 और 1/2 उठा लिया। इनमें जो ये 3 है ना, ये तो k है, और ये 2 है, ये k डैश है, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। ये है पार्ट ए इस थ्योरम का। ठीक है, और उठा लो, इसे नेक्स्ट उठा लो, 1/2 उठा लीजिए और 2/3 उठा लीजिए, इसमें भी ऐसा ही होगा, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, विच इज ग्रेटर देन 3। इस पूरी टेबल में से आप कोई भी लगातार नीचे डिनोमिनेटर उठाओगे ना, उनका सम जो ये n है यहाँ पे, इनसे बड़ा आएगा। पहला रिजल्ट आ गया समझ में। यस सर। और दूसरा बोलता है कि अगर ऐसे डिनोमिनेटर उठा लिए जो इक्वल नहीं है, यानी k के डैश, तो भैया n पक्का 1 से बड़ा है। तो आप देख सकते हो F1 में ही ऐसा हो रहा है कि 1 और नेक्स्ट भी 1 है। क्या इसमें ऐसा है, क्या इसमें ऐसा है, क्या इसमें ऐसा है, नहीं है ना? क्या लगातार डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। देखो जैसे F4 में देखो, 1 है, 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 है, कहीं भी सेम नहीं आ रहे, लगातार सेम नहीं आ रहे, है ना? तो ये ऑब्जर्वेशन उसकी बी है। समझ आ गई दोनों? यस सर। इसको yes, दो sir. इस थ्योरम को उसने दो तरीके से प्रूव किया हुआ है, एक तो सिंपल सिंपली प्रूव कर रखा है, और एक बार उसने बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव कॉन्सेप्चुअली प्रूव किया हुआ है कि कैसे इसको प्रूव करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले सिंपल प्रूफ, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, दो कंजुकेटिव नंबर लिए उसने, तो दो कंजुकेटिव नंबर लिया तो उसने ये नहीं बताया बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो वो मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मान लेता हूँ। हो ये भी सकता है कि जो h बाई के है वो बड़ा हो या छोटा हो, तो मान के चलते हैं कि h बाई के इज लेस देन h डैस बाई के डैस, तो उसके लिए मैंने वर्ड बताया हुआ कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कि जो दूसरा केस है वो सिमिलर वे से हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि h बाई के है वो s डैस बाई के डैस से छोटा है। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ से वी क्लेम दैट दिस, ये हमें प्रूव करना है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया कि एच बाई के इज लेस देन एच प्लस एस डैस अपॉन के प्लस के डैस, विच इज लेस देन एस डैस अपॉन के डैस। ठीक है, नाउ एच बाई के, इसमें अगर मैं एस डैस
अपॉन के ये क्वांटिटी लेके चलाऊं यहां से, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एच बाई के इज लेस देन एच प्लस एच डैश अपॉन के प्लस के डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा एच के प्लस एच के डैश इज लेस देन एच के प्लस एच डैश इंटू के, एच के से एच के कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा एच के डैश इज लेस देन एच डैश के। अब क्या करो, इस के डैश को इसके फॉर्म में लेके चले जाओ, एच डैश को इसके फॉर्म में, तो एच अपॉन के इज लेस देन एच डैश अपॉन के डैश, और यही प्रमेय प्रूव, यही तो थी, ठीक है, एच डैश अपॉन के डैश, ये था यहाँ पे। एंड द लास्ट इनइक्वालिटी ट्रू बाय अजम्पशन, इन सिमिलर वे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये होगा, यानी जो ये है इसको भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एग्जाम में आ जाए तो हम इसको ऐसे करेंगे, जैसे प्रूफ ऑफ ए लिखा है इसी टाइप से प्रूफ ऑफ बी लिखा है, ठीक है। तो जैसे प्रूफ करवा रहा हूँ मैं पहले का, इफ़ पॉसिबल लेट, अगर जो इसने बोला है कि k प्लस के डैश का सम ग्रेटर देन n होगा, तो हम इसका अपोजिट मानते हैं कि k प्लस के डैश का जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू n है, ठीक है। अब ये मैंने बताया ही था कि h है वो लेस देन इक्वल टू k होता है, क्योंकि h बाई k की वैल्यू h बाई k है वो 0-1 के बीच में लाई करता है, तो h मस्ट बी लेस देन इक्वल टू k, ठीक है। सिमिलरली s डैश इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू k, और यहाँ से अगर a लेस देन b है, सी लेस देन डी है, तो ए प्लस सी इज ऑल्सो लेस देन सी प्लस बी प्लस डी, ये वाला रिजल्ट प्रूव कर लिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा। और यहाँ से देखो, अगर एच प्लस एस डैश इज लेस देन के प्लस के डैश, इस के प्लस के डैश को इसके अपॉन में ले आओ, तो एच प्लस एस डैश अपॉन के प्लस के डैश इज लेस देन 1 आ जाएगा, और 1 से और ये 0 से बड़ा तो है ही, हमने बोला है, तो भैया इस टाइप के नंबर तो फिर एफ एन में होते हैं, फेरे सीरीज में होते हैं, जिसका मतलब ये नंबर ये क्या हो जाएगा, एफ एन में चला जाएगा, ठीक है। ए फ्रैक्शन इज लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, ये हमने ऊपर माना हुआ है कि जो ये नंबर होता है, ये हमने प्रूव किया कि दोनों रिजल्ट प्रूव करने से पहले ये प्रूव किया था अभी कि जो एच प्लस एस डैश के प्लस के डैश हमेशा इसके बीच में लाई करता है, तो एक और लेकिन हमने एच बाई के और एस डैश बाई के डैश है तो कंजुकेटिव लिए थे, और भैया उनके बीच में तो एक और वो नंबर आ गया, फेरी नंबर आ गया, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हमने वो कंजुकेटिव ले रखे थे, तो जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी कि जो के प्लस के डैश है वो लेस देन इक्वल टू एन होगा, ठीक है। इसका मतलब अब जो के प्लस के डैश है वो एन से बड़ा ही होगा, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। पार्ट भी खुद कर लेना इसका, सेम एस टीज ही है पार्ट भी। अब एक थ्योरम करवाऊंगा मैं, उस पर बेस्ड सारी नेक्स्ट थ्योरम एज इट इज चलेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी है क्या तुम्हारी? यस सर। इसके बाद भी है क्लास? यस सर। यस सर। चलो फिर बच्चों कल ही कर दें इसको, ठीक है। उससे पहले मैं देख लेता हूँ किसने